22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3। कुछ नए शार्क्स को लेकर के इस बार का सीजन भी पिछले दो सीजन की तरह ही बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। इस सीजन में भी पिछले ही सीजन की तरह बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज देखने को मिल रहे हैं। कुछ टेक आइडियाज हैं, कुछ फूड्स के आइडियाज हैं और भी बहुत ही अलग अलग तरह की पिचेस देखने में आ रही हैं। देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया में इतना जबरदस्त टैलेंट आ रहा है, लोग स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस का कल्चर बढ़ रहा है, जो कि हर इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। लोग अपने देश में रह करके ग्रो करना चाह रहे हैं, नहीं तो मैक्सिमम देखा गया कि जब लोग हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो विदेश सेटल होने की सोचते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ का युवा अपने ही देश की जमीन पर, अपने ही देश के लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने आप को साबित करना चाहता है। ये देखकर के बड़ा ही अच्छा लग रहा है और सुखदायक है ये बात। तो इस तरह के शोज को मैं पसंद करता हूँ, इस तरह के शोज जहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक नए नई चीजें सिखा देते हैं तो ये बड़े ही अच्छे हैं। किसी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं लिखी जाती तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन यही मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ इंडिया में टीवी शोज की बात हो वहाँ कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो शायद मुमकिन ही नहीं है। इस शो में भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है, एक पिच को लेकर के दावा किया जा रहा है कि वह एक फ्रॉड पिच है, उसमें झूठी सूचनाएं दी गई हैं, झूठी बातें बताई गई हैं। कौन सी वो पिच, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं। कश्मीर से दो यंग लड़के कैंपस को लेकर के प्रेजेंट करने के आए थे शार्क टैंक इंडिया में। वे अपने आप को क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर होने का दावा कर रहे थे। उनकी आज की 30 लाख रुपए 43% ऑफ देयर कंपनी, यानी कि 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर लगभग वो आए थे। सभी शार्क्स की तरफ से उनको ऑफर मिला, कुछ शार्क्स ने उनकी वैल्यूएशन को कम किया, कुछ ने सेम वैल्यू पर उनको ऑफर किया। और उन्होंने रितेश अग्रवाल ने भी सेम ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने रितेश को, जो ओलो के ऑनर है, उसको हटा करके अमन और पीयूष के साथ जाना पसंद किया और उनमें उनकी अपनी वैल्यूएशन तभी डील लॉक हो गई। जब यह टेलीकास्ट हुआ उसके बाद जो कश्मीर की क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके पिच में कहे गए दावों को झूठा साबित किया गया। मतलब उन्होंने इनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन झूठी दी है। जैसे कि एक बात करते हैं कि इन्होंने दावा किया कि इनके पास अपना सीजन प्लांट है जिसको लगाने की लागत आती है लगभग 20 करोड़ रुपए। पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की बात में रखूंगा, यही पर मुझे बनने हुए एपिसोड देख रहा था तो मुझे अपना डाउट हुआ, क्योंकि एक सीजन प्लांट लगाने की कॉस्ट इतनी नहीं हो सकती अगर आप लैंड कॉस्ट को अलग कर दें, क्योंकि लैंड कॉस्ट हर जगह की अलग वैरी करती है। कहीं लैंड कॉस्ट 10 करोड़ भी हो सकती है, कहीं 50 लाख भी हो सकती है। तो हम लैंड कॉस्ट को अलग कर दें। उसके अलावा लैंड के अलावा भी आज से 9 करोड़ रुपए सीजन प्लांट पे लगाने में लगते हैं। ये दावा पूरी तरह से मेरी नजर में भी गलत ही था, क्योंकि किसी भी, अगर आप देखें अच्छे से अच्छा सीजन प्लांट, नॉर्मल प्लांट 50-60 लाख रुपए में लग जाता है और अच्छे से अच्छा प्लांट, बहुत अच्छा प्लांट 1-1.5 करोड़ रुपए में लगी जाता है। तो ये आज से 9 करोड़ वाली बात तो मुझे भी गलत ही लगी थी। उसके बाद जो बात करते हैं कि जो कश्मीर की क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने बात कही, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो फैक्ट्री उसमें दिखाई वीडियो में, जब इन्होंने अपनी पिच दिखाई वहां पर अपने आप को प्रेजेंट किया, तो वो फैक्ट्री ही इनकी नहीं थी, वो किसी और की फैक्ट्री की वीडियो इन्होंने वहां पर दिखाई। ऐसा जो कश्मीर की क्रिकेट बैट एसोसिएशन है उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पिच में कहा कि वे ऑनली प्लेयर है जो कश्मीर वीलो के बैट बनाते हैं, सीजनिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कहना है कश्मीर बैट एसोसिएशन का, क्योंकि वहां पर उनका कहना है कि 300-400 प्लेयर हैं जो इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं और कुछ प्लेयर्स तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टर है, उनका कहना है कि इन्होंने हमें बदनाम किया है, यहाँ पर अपने उस बिजनेस की बेइज्जती की है, पूरी एसोसिएशन की बेइज्जती की है। जिस व्यक्ति को दिखाया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर क्रिकेट बैट एसोसिएशन जो है उनका साथ दे रहे थे और इस दावे को सही साबित दबा रहे थे। इसी वजह से इनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया गया है। अब देखना यह है कि सोनी टीम क्या एक्शन लेता है और जिन शार्क्स ने इनमें इन्वेस्ट करने के लिए डील लॉक की है नेशनल टेलीविजन पर, अमन और पीयूष, उनका क्या स्टैंड होगा, इसके बाद ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर ले जाना चाहूंगा कि जब
शार्क टैंक इंडिया में कोई भी बिजनेस पिच किया जाता है, उससे पहले की अगर हम प्रोसेस को समझें तो उसको अगर हम एक आसान भाषा में समझे तो शायद 1000 लोग अप्लाई करते होंगे, जिस पर सोनी टीवी की टीम काम करती होगी, जो शार्क टैंक इंडिया के लिए डेडिकेटेड टीम होगी। उनको में से अगर हम शॉर्ट लिस्ट करते होंगे शायद कुछ 500 लोग, उसके बाद 100 लोग जो है वो पिच करने के लिए आते होंगे, जिनकी पिचेस को टेलीकास्ट किया जाता है पब्लिक के सामने। तो ये पूरा एक प्रोसीजर रहेगा जिसको कि पूरी टीम सारे फैक्ट्स चेक करती होगी कि जो भी वहां पर बोलने वाले हैं क्या उसके पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते होंगे, इनकी बैलेंस शीट चेक होती होगी कि ये दादू साहब झूठ रहे या सच्चे। तो कहीं ना कहीं सोनी टीवी से भी गलती हुई है, अगर जो कश्मीर क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन है उनके दावे सच है तो सोनी टीवी से भी बड़ी गलती हो गई है। अब इस गलती की वजह से लोगों का कहीं इस शार्क टैंक से विश्वास ना हो जाए, कहीं ये भी इसको ठीक तो नहीं है लाइक अदर शोज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने शार्क टैंक का एक छोटा सा ऑपरेशन किया और बाहर से आने वाली खबरों को इससे कनेक्ट करके आपको बताया। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शार्क टैंक में आने वाली और पिचेस का इसी तरह से ऑपरेशन किया जाए और उनकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब कुछ बताई जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।